मेन तो ये देखे कुतुब मीनार जो कि काफी खूबसूरत है दिखने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिश मीन, आप लोग एक और ब्लॉग में खुश आमदीद। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो कि हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार, इंशाल्लाह अभी टाइम यही 11:30 हो रही होगी, उसके बाद से हम लोग को मेट्रो से आगे जाना है क्योंकि यहाँ पे कैब वगैरह बहुत महंगा है, इसलिए मेट्रो से ही सस्ता पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। फाइनली अब हम लोग मेट्रो की तरफ जा रहे हैं जो कि एस्केलेटर पे हम लोग बैठ गए हैं, जो कि देखिए खड़े हैं बैठे। यहाँ से हम लोग का दो स्टेशन चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक फॉस का उसके बाद से कुतुब मीनार आएगा। देखिए दोस्तों ये जो कि ओखला रोड है जो कि यहाँ से जामिया नज़दीक है, जामिया में, तो चलिए यहाँ से वीडियो को आगे। ये देखिए कुतुब मीनार जो कि काफ़ी खूबसूरत है दिखने में। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ, देखिए यहाँ पर टिकट मिलेगा, वहाँ पर देख सकते हैं टिकट में बहुत सारे भीड़ है, यहाँ पर काफ़ी लोग ले रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं आगे चल कर आप लोगों को टिकट लेकर आप लोगों का इसका वीडियो दिखाता हूँ। सो फाइनली हम लोग का टिकट मिल गया, अब इसी गेट से हम लोग एंट्री करेंगे। हम लोग अंदर आ गए जो कि यहाँ से एंट्री गेट है, जो कि काफ़ी चेकिंग होने के बाद से अंदर आना पड़ रहा है हम लोग को, और हम लोग को टिकट लेने में कम से कम तकरीबन 1 घंटा ज़्यादा लग गया। यहाँ का सर्विस बहुत बेकार है, जो कि आज वीकेंड है, सैटरडे है, इसलिए इतना लेट हुआ। देखिए दोस्तों माशाल्लाह फाइनली ये कुतुब मीनार का आप लोग व्यूज़ देख लीजिए, जो कि देखिए काफ़ी खूबसूरत है। देखें कि दोस्तों की आप लोग के पास अगर जो पैसा है तो 550 रुपया है, तो आप लोग फॉरेनर का टिकट ले सकते हैं, आप लोग इसमें विजिट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये फॉरेनर हैं सब, देखिए यहाँ पर फ़ोटो क्लिक होता है, जो कि कुतुब मीनार मोनूमेंट्स हम लोग देखे थे किताब में, फ़ोन में, नेट से इसके बारे में पढ़ते थे, आज यह हकीकत में देखना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों ये देखे जो कि ये पिजन काफ़ी खूबसूरत है देखने में, लगता ही कबूतर। तो दोस्तों ये एरिया जो है जस्ट इसके कुतुब मीनार के सामने में काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं दोस्तों। और हम यहाँ से देखते हैं, एंट्री करते हैं कुतुब मीनार की तरफ। देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है ये कुतुब मीनार, अल्लाह अकबर। अब यहाँ से कुतुब मीनार इस्लाम, देखे यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, और इधर से हमें इधर से ही जाता हूँ। देखिए उसके सामने में काफ़ी खूबसूरत है ये देखे जो कि दोस्तों कुतुब मीनार, और इसके सामने जस्ट एरोप्लेन क्रॉस। दोस्तों ये देखिए जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर हम लोग बैठ कर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं अपना, और जैसे कि यहाँ से काफ़ी सारे विजिटर हैं जो कि फॉरेनर, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, चाइना, हांगकांग और सारे जगह से, इंग्लैंड, ये जो कि मोनूमेंट्स है। आई थिंक 63 मीटर इसकी लंबाई है, स्टडी करने के बाद से मालूम चला। और ये देखिए जो कि काफ़ी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए इसके जस्ट फ्रंट के सामने में जो कि काफ़ी खूबसूरत है इसका भी, वो माशाल्लाह ये देखिए जो कि सामने से व्यूज, जो कि इसका भी व्यूज काफ़ी खूबसूरत है कुतुब मीनार का। मोनूमेंट्स में दिल्ली में अभी तक हमको अच्छा लगा तो कुतुब मीनार लगा, नहीं तो सारा लाल किला तो जाइए मत, लेकिन आप आएंगे तो आप लोग मानेंगे नहीं, जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। लाल किला सबसे बेकार है अभी तक मोनूमेंट्स में, उसमें क्या है, बस फ्रंट से देखने को हमको लगा, गए तो कुछ होगा। चलिए दोस्तों देखिए जो कि काफ़ी सारे विजिटर हैं जो कि फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ये रहा कुतुब मीनार। अब चलिए इसमें चलते हैं। ये देखिए इसका जैसे कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है इसमें का, देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत। ये ग्रेव है या ग्रेव कबर है, मतलब किसी का कब्र होगी।
तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। काफ़ी बड़ा है ये, सकते हैं कुतुब मीनार जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ सारे कई सारे विजिटर फॉरेनर और हमारे जो कि देसी लोग इंडियंस काफ़ी यहाँ पर लोग आए हैं घूम रहे हैं, जो कि फॉरेनर विजिटर जो कि वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, ये सब का जो कि टिकट का है प्राइस है 600 रुपया जो कि कैश का, और जब ये ऑफलाइन ऑनलाइन करेंगे ATM डेबिट कार्ड से तो 550 रुपया चार्ज लगेगा। और उसमें आप लोगों को, आप लोग टिकट लेंगे तो आप लोगों का भी फ्री, आप लोग को 550 रुपया ATM से डेबिट कार्ड से देना पड़ेगा, और अगर जो कैश देंगे तो 600 रुपया, मतलब उसमें टिकट लेंगे तो जल्दी आप लोगों को पड़ेगा। दोस्तों ऐसे तो टिकट पे हम लोगों को 1 घंटा लग गया, पूरा हालत ख़राब था हम लोगों का। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, जस्ट अब कुछ फॉरेनर से मैं बात करूँगा, आप लोगों को वीडियो ऐसे ही मैं बात करूँगा। ये देखे कुतुब मीनार जो कि काफ़ी खूबसूरत है दिखने में। यहाँ से जो कि इसका एंट्री है और इधर से जाएंगे और इधर से फ़ोटो क्लिक आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर खड़ा होकर, जो कि कुतुब मीनार जस्ट जैसे सीधा आएगा यहाँ से। अब इन लोगों का भाई फ़ोटो में डिस्टर्ब ना हो मैं आगे चला जाता हूँ। देखिए जो कि फॉरेनर है, मैं कुछ नहीं सकता हूँ लेडीज़ से पूछने में अच्छा नहीं लगता, चेंस रहता तो आप लोगों को बात करके मैं दिखा देता। कुतुब मीनार जो कि ये थोड़ा अच्छा है देखने में, जो कि पत्थर वगैरह है। सब पत्थर ही है देख सकते हैं। हांगकांग एक हॉस का से ऐसा ही है जो कि एरिया का। सब ऐसे ही टूटा फूटा है एरिया, जो कि मतलब कि फोटो के लिए काफ़ी खूबसूरत होगा। कुतुब मीनार यहाँ से पूरा एकदम अच्छा दिख रहा है। इधर से हम लोग एंट्री करेंगे, इधर पार्क टाइप का लग रहा है, रात में पूरा लाइटिंग वाइटिंग जब होगी तो इसका खूबसूरती एकदम। देखिए प्लेन इधर से एंड है, ये ख़त्म है। यहाँ पर फ़ोटो लेने लायक जगह है, अब जैसे अब हम लोग आगे जा रहे हैं वहाँ पर अपना फ़ोटो क्लिक करेंगे, जस्ट इसके सामने जो कि काफ़ी भीड़ है, क्योंकि इस ये देख लीजिए ये भी काफ़ी खूबसूरत एरिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग अपना फ़ोटो क्लिक करेंगे जस्ट सामने, जैसे ऐसे में कैमरा करने पर जैसे पूरा एकदम अच्छा आएगा। यहाँ पर हम लोग जाकर अपना कैमरा फ़ोटो क्लिक करेंगे कुतुब मीनार। देखिए कई सारे लोग हैं यहाँ पर विजिटिंग के लिए आ रहे हैं। देखिए कुतुब मीनार काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, और जस्ट इसके सामने में जो कि पत्थर है काफ़ी खूबसूरत है, पेड़ भी अच्छा है, और इसका जो पैलेस है जस्ट उधर से एंडिंग हो जाएगा, और उधर आगे की तरफ भी आप लोगों को जाकर पूरा फुल व्यू दिखाऊँगा जैसे ऐसे कैमरा मैं करता हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत जो कि कुतुब मीनार दिख रहा है। देखिए दोस्तों ऐसे ये भी देखे दोस्तों फाइनली हम लोग का फ़ोटो क्लिक हो गया, जो कि जस्ट कुतुब मीनार के सामने वहाँ पर हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। दोस्तों अभी तक कुतुब मीनार का आप लोग को उधर से पूरा व्यू सामने से दिखा दिया हूँ, और इधर बाकी जाना है क्योंकि पार्क वर्क है यहाँ पर, इधर से मैं जाऊँगा आप पूरा फुल व्यू दिखाऊँगा। हाँ तो दोस्तों देखिए जो कि काफ़ी खूबसूरत है, जो कि कुतुब मीनार देख सकते हैं जो कि 63 मीटर की लंबाई है। देखिए काफ़ी सारे इसमें हैं लोग जो कि फ़ोटो लेने में जो कि पूरा भूख आगे से मार रहा था, पूरा ब्लर हो रहा था चेहरा, इसलिए हम लोगों को टाइम लगे। आप लोगों को तो टाइम कोई ज़्यादा नहीं लगेगा जो वीडियो प्ले में आप लोग देख रहे हैं, हम लोग को आने में 1 घंटा टिकट लेने में, जो कि बहुत फालतू रखा है यहाँ पर। टिकट में कुछ है नहीं लेकिन
टिकट बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। हाँ तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, इधर में चलते हैं इधर। तो ये देखिए कुतुब मीनार, अब हम लोग इधर पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आप लोग बताया था कि पार्क की तरफ हम लोग जा रहे हैं। चलो भाई आगे इधर देखिए, इधर से जो कि ओहो सेट, इसका तो व्यूज माशाल्लाह काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, देख सकते हैं दोस्तों। ये जो कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए जो कि काफ़ी अच्छा एरिया। हाँ तो दोस्तों अभी तक कितना धूप है ना, हम लोग टाइम ही गलत आ गए, हम लोग का रॉन्ग टाइम था, इसलिए जो कि दिक्कत हो रहा है हम लोग को, थोड़ा धूप है। देखे जो कि मैं यहीं से बताया था आप लोग को, यहीं से पार्क से मैं जाऊंगा। चलिए इधर मैं इधर इस रास्ते से मैं चलता हूँ, टॉम इसमें कोई किसी का कवर भी है इसमें बताया जा रहा है। टॉम मतलब ग्रेव होता है, जैसे हुमाई टॉम है। देखिए ये जो कि पार्क है, इधर से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं इधर से ही एंट्री कर रहा हूँ। इधर आ जाओ भाई, देखिए जो कि काफ़ी खूबसूरती है इसमें कुतुब मीनार, जो कि सबसे बेस्ट जो कि मोनूमेंट्स अभी तक यही लगा है हमको, जो कि लाल किला घूमे और कहाँ घूमे हैं, हुमायूं टॉम घूमे हैं और जामा मस्जिद भी घूम लिए हैं, और इधर से भी कुतुब मीनार के देख लीजिए व्यूज। टिकट महंगा है, टिकट तो लेना नहीं चाहिए, मोनूमेंट्स कोई और बनाया, फ़ायदा गवर्नमेंट उठा रहा है, गलत बात है। इधर से जो कि तो इसका व्यूज ही कुछ अलग है, यहाँ पर भी हम लोग फोटो क्लिक करेंगे अपना। ये देखिए इस एरिया जो कि घूमने वाला है, देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आ रहे हैं। ये जो कि एरिया अभी तक है जो कि ये सबसे बेस्ट एरिया हम लोग को लगा। देखिए जो कि एक पत्थर वगैरह दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। इधर ये टूटा पड़ा वगैरह, ये देखिए जो कि फूल वगैरह जो कि काफ़ी खूबसूरत, ये कुतुब मीनार इसके जस्ट सामने टॉम जो कि काफ़ी खूबसूरत है। हाँ तो दोस्तों जहाँ पे मैं हूँ जो कि ये लास्ट है, जो कि मैं सारे जगह का वीडियो ले लिया, बस इधर से जाऊँगा और आगे की तरफ आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। जस्ट ये देख सकते हैं जो कि प्लेन क्रॉस हो रही है, जो कि ये कैपिटल है यहाँ पर, एक दिन में हाँ तो आपकी 500 से ज़्यादा तो यहाँ पर लैंडिंग है फ्लाइट पर। जस्ट ये पीछे में देख सकते हैं कुतुब मीनार, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिन है, जो कि मोनूमेंट्स जो कि दिल्ली में सबसे बेस्ट है, बस एक इंडिया गेट बाकी रह गया है वहाँ पर, जो कि चार्ज नहीं लगता है वहाँ पर, और जस्ट इंडिया गेट बाकी रह गया, वहाँ पर जाऊँगा आप लोग का पूरा फुल व्यू दिखाऊँगा उसके बाद। तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा सा बाकी रह गया उसको भी दिखा देता हूँ तब तक। तो देखिए कुतुब मीनार जो दोस्तों, ये देखिए कुतुब मीनार का जो कि व्यूज़ देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। इधर जो इस एरिया है ना, जो कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए एक वहाँ पर बेस्ट है जो कि सबसे बेस्ट आ रहा है, और एक वहाँ पर आप लोगों को अगर जी कैमरा बढ़िया हो, आईफोन हो, तो आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इस एरिया पे, ये भी एरिया काफ़ी बहुत अच्छा मस्त है, ये भी एरिया देखे जो कि आउटस्टैंडिंग है। एक जो कि यहाँ से जो कि क्लिक कर सकते हैं कुतुब मीनार का, जो कि आउटस्टैंडिंग एरिया, जो कि जस्ट इधर हमें घूम लिया था, आप लोगों को दिखाया था, इधर आकर इधर भी आया था, जो कि ये भी एरिया है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों देख सकते हैं जो कि कुतुब मीनार है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। बस मैं ब्लॉग को अभी एंड करूँगा यहाँ से, अब हम लोग भी आए हैं तो घूमने तो घूम ले, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ले ले, घूमने का क्या फ़ायदा, जो कि 40 रुपया लगा है, 2-1 घंटा लाइन में खड़ा हो गया है। हाँ तो दोस्तों कुतुब मीनार में देखिए जो कि इसका टिकट का प्राइस की बात की जाए, तो आप लोग के पास ATM है तो 35 रुपया लगेगा, वो भी ATM से नहीं हो रहा है, लेकिन 40 रुपया लगेगा, आप लोगों को कैश लेना पड़ेगा खुला पैसा, और फॉरेनर के लिए 600 रुपया, अगर ATM डेबिट कार्ड है तो आप लोग का 550 रुपया लगेगा चार्ज। हाँ तो दोस्तों
इसका ख्याल रखें कि जो कि आप लोग 9 बजे से पहले आएंगे तब आप लोगों को है कि पूरा फुल लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वीकेंड में सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, 1 घंटा आप लोगों को पूरा लाइन में मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद से आप लोगों को जो है कि टिकट मिलेगी। उसके बाद से आप लोगों के पास चेंज नहीं होगा तो उसके बाद से टिकट लेने में बहुत दिक्कत होगा। हाँ तो दोस्तों मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।